हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आप सबका स्वागत है प्रियंका किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी का चिल्ला। और यहाँ पे मैं एक प्याज ली हूँ, एक टमाटर, आधा शिमला मिर्च, अदरक, हरी मिर्च, इसको धुल के रखी हूँ, इसको काट लूँगी। और यहाँ पे आधा कप सूजी है और आधा से कम है दही। मैं इसमें डाल दूँगी सूजी, दही को स्वाद अनुसार नमक, दही को डाल के अच्छे से मिला लूंगी। ये देखिए, इसमें पानी डाल के मिला लूंगी। आप लोग देख सकते हैं अभी बेटर मेरा पतला नहीं है, थोड़ा इसमें और पानी डालूंगी। मैं इसको 5 मिनट इसी तरह ढक के रख दूंगी, तब तक अपना सब्जी काट लूँ। मैं अपना सारी सब्जी काट ली हूँ। आप लोग सुबह नाश्ता में, टिफिन में बच्चे लोग को दे सकते हैं, चाय के साथ खा सकते हैं। अब मैं अपना सारी सब्जी डाल दूंगी बेटर में, मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। ये देखिए, मैं सारा डाल के इसमें मिला लूँगी। और आप लोग को लगे कि आप लोग का गाढ़ा है तो पानी मिला लीजिए डाल के। आप लोग तीखा अपने हिसाब से डालिए, इसमें धनिया भी डाल सकते हैं, गाजर भी। मैं अच्छे से मिला ली हूँ और आप लोग को बना के दिखाती हूँ। अच्छे तरीके से तवा गरम में कर ली हूँ, अच्छे से गरम हो जाए, और गैस मीडियम। इसको अच्छे से फैला लें। मीडियम आंच पे रहेगा तो अच्छे से पक जाएगा। अच्छे से पलट लूंगी मैं। मेरा नीचे से पक गया है, मैं इसके ऊपर तेल डालूंगी। मैं इसको पलट लूंगी। देख सकते हैं आप लोग, मैं थोड़ा सा यहाँ पे टूट गया था गलती से, पर अच्छे से पलट कर दी हूँ। देख सकते हैं, अब अच्छे से पका के दिखा रही हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग, मेरा तो बन गया है। आप लोग ऐसे खा सकते हैं चटनी के साथ भी। अब मैं जा रही हूँ दूसरा बनाने। मैं दूसरा वाला यहाँ पे फैला दी हूँ अच्छे से। मैं छोटा छोटा बना रही हूँ, टिफिन देना है बच्चे लोग को, तो अब बड़ा भी बना सकते हैं। और बताइएगा कैसा लगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। देख सकते हैं आप लोग, इसी तरह मैं सारा बना लूँगी और ऐसे ही मैं चिल्ला सारा बना लूँगी और नाश्ते में बच्चे लोग को बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है बच्चे लोग को, बच्चों को का सबको अच्छा लगता है।